अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट की तरफ जिसमें हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर वन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन एमिटेड इन द लेम एंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन जो लेम एंड सीरीज के अकॉर्डिंगली शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिट हो रहा है स्टूडेंट्स उसको हम लोगों ने फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसके लिए गिवन डाटा को देखते हैं एनर्जी लेवल हमारे पास क्या होगा एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये किसके लिए है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी जो कम से कम वेवलेंथ है उसके लिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या होती है एनर्जी लेवल की इंफिनिटी एनर्जी लेवल फॉर पी विच इज इक्वल टू वन ये हमारे पास लोएस्ट एनर्जी लेवल के लिए है रेड बर्क कॉन्स्टेंट की हमारे पास वैल्यू होती है स्टूडेंट्स आर एच इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन फोर मल्टीप्लाई बाय टेन पावर सेवन पर मीटर वेवलेंथ हम लोगों ने चूंकि फाइंड करनी है विच इज इक्वल टू सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे जो अकॉर्डिंगली है सॉल्व करेंगे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा वन अवर लेमदा इज इक्वल टू रेड बर कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं पर मीटर फर्दर वन आवर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास वन का स्क्वेयर माइनस वन आवर एन की वैल्यू हमारे पास है इन्फिनिटी का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय टेन एज टू पावर सेवन पर मीटर फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स लेमदा विल बी इक्वल टू वन आवर वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन फोर मल्टीप्लाई बाय टेन एज टू पावर सेवन पर मीटर यहाँ पे हम लोगों ने लैमदा को पे ले आए हैं सो लेमदा इज इक्वल टू वन अवर वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन फोर मल्टीप्लाई बाय टेन एज टू पावर सेवन पर मीटर फर्दर सॉल्व करेंगे तो लेमदा की वैल्यू आएगी हमारे पास नाइन्टी वन पॉइंट वन टू फोर मल्टीप्लाई बाय टेन एज टू पावर माइनस नाइन मीटर सो लेमदा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स नाइन्टी वन पॉइंट वन नैनो मीटर सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने बोर्स अटोमिक मॉडल के अकॉर्डिंगली जो वेव लेंथ का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स उसको यूज करते हुए मिनिमम यानी कि शॉर्टेस्ट वेव लेंथ ऑफ फोटोन को फाइंड किया थैंक यू